हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका क्लासरूम का जो क्रैश कोर्स है बहुत ही जोरों शोरों के साथ चल रहा है। जिसको नहीं पता, हम लोग क्लासरूम का क्रैश कोर्स फ्री में अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पर आपको आखिरी के 25 दिनों के अंदर जो है वो पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। मतलब वन शॉट के अंदर सारे लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं। एप्लीकेशन में कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि भैया ऐप के अंदर लेक्चर्स नहीं दिख रहे हैं। यार वो ग्लिच सबके साथ में था, तो वो रिजॉल्व किया जा रहा है। 22 से 24 घंटों के अंदर आपको सारे लेक्चर्स दिखने को मिल जाएंगे। केमिकल रिएक्शन, एसिड बेसिस, वो सब तो दिख ही रहे हैं, पर इंग्लिश के और बाकी बच्चों के लेक्चर्स भी दिखना चालू हो जाएंगे। ठीक है, अब स्लोली आते हैं पॉइंट पर। ठीक है, एक सवाल जो कि हर बच्चे के दिमाग में इस आखिरी मोमेंट पर होता है कि भैया क्या हम 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं? डू वी स्टिल हैव टाइम? क्या हम आखिरी इन 15-20 दिनों के अंदर 40 में से 40 स्कोर कर सकते हैं क्या? अब देखो, तेरे अंदर आग है, तेरे अंदर का शेर जगा, ठीक है, तबाही मचा दे। ये तो हो गया मोटिवेशन। ठीक है, अभी दूंगा, तुम 2 घंटे बाद मेरा मोटिवेशन भूल जाओ। ठीक, बहुत बढ़िया। पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट ये है, देखो 40 में से 40 लाना मतलब क्या? परफेक्शन। ठीक, अब जनरली एक एग्जांपल देके तुमको समझाता हूँ क्या होता है कि जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं ना, तो एक छोटी सी गलती भी, एक माइनर मिस्टेक जो है, वो भी हमें गिल्टी फील करवाती है। जैसे कि मान लो कि तुम ना, तुमने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, बहुत ही परफेक्शन से, बिल्कुल एक एक डिटेल तुमने उसके अंदर बहुत ध्यान से जो है वो ड्रॉ की है, अपने दिमाग की पूरी जो क्रिएटिविटी उसके अंदर उतार दी है, और होता यह है कि आखिरी में गलती से आपसे एक ड्रॉप पेंट का उस पर गिर जाता है। ठीक है, हो सकता है बहुत ही छोटा ड्रॉप हो, बिल्कुल नोटिस में ना आ रहा हो, बट फिर भी वो गिर जाता है। अब आपके दिल के अंदर जो सेटिस्फेक्शन का कीड़ा है वो बुरा मान गया, वो कहता है कि यार, परफेक्शन का जो कीड़ा है वो बुरा मान गया, वो कहता है कि यार मजा नहीं आया, ये ड्रॉप नहीं गिरता तो और परफेक्ट बनती। तो जब भी हमसे छोटी सी भी गलती होती है, ठीक है, अगर हम परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं तो हमें बुरा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे यार अगर अभी मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने अभी अभी पढ़ना चालू किया, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग और ज़्यादा प्रिपरेशन वाले बच्चों की तरफ आते हैं। यार देखो, अगर तुम इस मोमेंट पर परफेक्शन के पीछे भागोगे, ठीक, ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस तो है कि तुमने लेट स्टार्ट किया। ठीक है, तुम्हारे दिमाग के अंदर अभी भी ये चल रहा है कि यार सिलेबस कैसे होगा, सिलेबस कैसे होगा। अब अगर तुम तीसरा स्ट्रेस अपने दिमाग पर डालते हो परफेक्शन का, जो कि है 40 में से 40 लाने का, तो इससे पता है क्या होगा? जब भी तुम कोई भी आंसर लर्न कर रहे हो, बहुत ही सरल सी भाषा में, या फिर तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, या फिर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर गलती से तुम्हें उस तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुमसे अगर उसमें गलती हो जाती है, तो तुम्हें बुरा फील होगा। ठीक है, तुम उसी मोमेंट पर फील करने लगोगे, अरे यार 40 में से 40 तो स्कोर नहीं हो पाएंगे, फिर क्या मतलब। अब आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको डाउट्स होते हैं और वो मुझसे पूछना चाहते हैं, पर होता क्या है कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ नहीं सकता, क्योंकि तुम देख सकते हो काफ़ी कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमको ये बता रखा है, तुम मुझे इंस्टाग्राम पर ना स्टोरीज में टैग करके जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब स्टोरीज में टैग करने का क्या लॉजिक है भैया? देखो, होता क्या है ना कि सारे मैसेजेस में नहीं पढ़ पाता, क्योंकि जब DM में इतने रिक्वेस्ट होती हैं तो वो, मतलब अगर मैं थोड़ी भी रिप्लाई करूंगा तो भी काफ़ी समय चले जाते हैं, क्योंकि किसी बच्चे की परेशानी बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, तो अगर एवरेज निकालो तो बहुत समय निकल जाता है। तो आप मुझे स्टोरीज में टैग कर सकते हो, ताकि मैं देख सकूँ सीधा सीधा कि यार इतनी स्टोरीज में आपको मेंशन किया गया, तो इनके रिप्लाई कर दो। ठीक है, और मैं पर्सनली खुद बैठ के रिप्लाई करता हूँ, कोई मेरी टीम बैठ के रिप्लाई नहीं करती है, मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे बच्चे जिनके कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, भाई उनको मैंने 15-15, 20-20 लाइन के आंसर्स भी लिख के भेजे हुए हैं। ठीक है, किसी को ऐसा फील होता है कि भैया कुछ नहीं हो पा रहा, मैंने उनको मोटिवेट भी कर रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भैया रिप्लाई नहीं करते, पर यार जब मेरे सामने कोई मैसेज आ जाता है ना, मैं जरूर से उसका रिप्लाई कर देता हूँ। इसलिए ट्राई करना है कि तुम स्टोरीज में टैग करो, ताकि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए यार इन आखिरी के 15-20 दिनों में ना, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि तुम कैसे स्मार्टली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तुम अभी इस चीज़ पर बिल्कुल फोकस मत करो कि तुम्हें नंबर कितने लाने हैं। ठीक, अब भैया नंबर नहीं लाने तो क्या 40 में 40 हम नहीं स्कोर कर सकते? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत चीज़ होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं आखिरी के समय में पढ़ के भी तबाही मचा देते हैं। ठीक है, पर सिर्फ उसी के लिए पढ़ना गलत है। ठीक, क्योंकि होता क्या है ना कि हम पिछले नंबर जो है वो भूल जाते हैं, कह रहे 40 नहीं आए तो 38 तो आएंगे, 37 तो आएंगे, 36 तो आएंगे, 35 तो आएंगे ना। ठीक, अगर 40 में से 40 नहीं आ रहे हैं तो पढ़ना छोड़ देना, या फिर मन लगा कि ना पढ़ना है, फिर गिल्टी फील करना, ये गलत चीज़ है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं टर्म वन के अंदर फुल स्कोर करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे गलतियाँ हो जाती है तो उस कारण मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। यार देख, 40 में से 40 अगर नहीं आ रहे हैं तो मैं वही कह रहा हूँ, 38 तो आएंगे, बुरे नंबर थोड़ी है भाई। 1000 में से 100 बच्चों को अगर 40 में 40 आ रहे हैं, तो क्या बाकी के 900 ने एग्जाम नहीं दिया? क्या दिया ना, उनके आए 38 नंबर, 35 नंबर आए, 33 नंबर आए। इसीलिए यार ये सोच के मत पढ़ो कि पूरा फुल स्कोर करना है।
ठीक है, एक एम बना लो, ठीक है। देखो लॉजिकली एक एम बना सकते हो कि यार मुझे ना, अगर जो बच्चा अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, मुझे ना 32 के अबव स्कोर करना है। तो मतलब तुम सोचो कि तुम्हारे पास में 8 मार्क्स की एक ऐसी विंडो है जो कि तुम स्किप कर सकती हो। जब तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आता है कि अच्छा अगर ये सिर्फ मैंने ये नहीं पढ़ा और सिर्फ इतना इतना भी पढ़ना है, तो भी मेरे 32 आ रहे हैं, तो भी मेरे 33 आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सिलेबस मत करो, पर एटलीस्ट खुद को पुश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ऐसी चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे 40 में से 40 नहीं आ रहे हैं, तो भाई 33 तो आएंगे, 35 तो आएंगे, नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। इसीलिए यार एक प्लान बना के चलो कि भैया इतना पोर्शन अगर मुझसे नहीं हो पाए, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितने पानी में हो, ठीक है, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम कहाँ पर हो अभी, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए तुम खुद को अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक, तुम्हें लगता है कि अगर ये छोड़ दिया और इतना भी कर लिया तो भी मेरे 35 आ रहे हैं, वो तुम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि इतना इतना छोड़ दिया तो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यार 40 out of 40 के लिए ट्राई मत करो, पर सिर्फ उसी के लिए ट्राई करके सिर्फ उसी के पीछे भागना और क्वेश्चन ना होने पर, मिस्टेक्स होने पर गिल्टी फील करना, ये गलत चीज़ है, क्योंकि हमारे पास अभी किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं है, ठीक। अब आते हैं, तो मैं ये कंक्लूजन ये था कि भाई साहब जिस भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उसको 40 में से 40 लाने हैं, फुल स्कोर करना है, और उसने अभी ही स्टार्ट किया है, तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर यार एक पहले एक छोटा एम बना लो कि यार एटलीस्ट मैं पास तो हो जाऊँ, ठीक है, एटलीस्ट मैं 25-27 नंबर का इतना तो प्रिपेयर कर लेता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा कि 40 out of 40 कैसे लाने, ठीक है। एक एक स्टेप करके चलो, पहले जितने नंबर पास होने के लिए लगते उतना कर लो, उसके बाद में फिर तुम्हें अगर सोच लगता है कि अब भाई इतना तो हो गया कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, अब 30 अबव के लिए मैं कुछ प्लान करता हूँ, तो तुम 30 अबव के लिए प्लानिंग करो, फिर वो होने के बाद में 35 अबव के लिए कर लो, समय बचेगा, ठीक है, क्योंकि पास होने के लिए बहुत कम एफर्ट लगेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो कंक्लूजन यही है कि 40 out of 40 के लिए जरूर भागो, पर सिर्फ उसी के लिए भाग के मायूस हो जाना या फिर और प्रिपेयर ना करना गलत चीज़ है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने थोड़ा प्रिपेयर कर रखा है। देखो यार, थोड़े से और एफर्ट्स अगर मार लोगे, ठीक है, सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक कर लोगे, ठीक है, तो हाई चांसेस है दैट यू विल बी एबल टू स्कोर 40 out of 40। क्योंकि यार देखो होता क्या है कि आखिरी के समय में ना हम सब भूलने लगते हैं, अरे भैया भूल गए। देखो अगर एक महीने पहले तुम भूल भी जाते थे तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तुम बोलते थे हाँ यार बाद में कर लेंगे, पर अब जब इस मोमेंट पर भूलते हो तुमको लगता है कि यार भूल नहीं सकते, क्योंकि यही तो समय है, अगर अब भूल गया तो कैसे चलेगा, ठीक। सैंपल पेपर वही तुम्हारे लिए चीज़ भी लागू होती है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की तरफ ध्यान दे दो, इट विल बी ऑल ओके, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट है, अभी भी क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदी, अभी भी सैंपल पेपर नहीं परचेज किए, मार्केट में जाओ और उनको बोलो भैया हमको सैंपल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक चाहिए। मैंने एक रिकमेंड कर रखी है, जिन भी बच्चों को नहीं पता आप उस वाल की क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर खरीद सकते हो, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर जहाँ पर भी आपके यहाँ पर बुक्स मिलती है, ठीक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, वहाँ नहीं मिलती है तो ऑनलाइन मंगवा लो, पर जिस सोर्स से जिस भी जगह से जल्दी तुम्हारे पास बुक आ सकती है ट्राई करो कि वहाँ से तुम पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब जो बच्चे पूरा प्रिपेयर करके बैठे हैं, ठीक है, उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार प्रिपेयर तो कर लिया, कुछ बच तो नहीं रहा, क्योंकि जो बच्चा पूरा प्रिपेयर करके बैठा है ना वो हमेशा इस थॉट के साथ गुजरता है, यार मैंने पूरा प्रिपेयर तो कर लिया है पर कुछ बच तो नहीं रहा, ऐसा ना हो कि मैं एग्जाम पे भूल जाऊँ। रेगुलर रिविजन्स करते रहो, दैट इज इट, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा जो डर है मैं समझ सकता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एक्चुअली साइंस के अंदर क्या हुआ था मेरे साथ में, ये मैं पढ़ के बैठा हुआ था, पूरा हो चुका था मेरा साइंस का पूरा, फिर मुझे फिर होता था कि यार इनका तो अभी तक हुआ नहीं तो क्या मैं गलत कुछ कर रहा हूँ या फिर मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आखिरी टाइम पे ये एंग्जाइटी आती है, तो भैया थोड़ा भी अगर रिवीजन मार लेते हो, थोड़ा सा भी अगर और प्रिपेयर कर लेते हो तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स। पर सभी के लिए ये चीज़ लागू होती है कि कोई भी यार बच्चा ये सोच के मत जाना कि यार मैं 40 में से 40 अगर नहीं स्कोर कर सकता तो काम खत्म है। यार 40 में से 40 एक नंबर है, उससे कम भी तो नंबर है, 38 भी तो है, 37 भी तो है, 36 भी तो है कि नहीं है, और कोई दुनिया इधर की उधर नहीं हो जाएगी अगर तेरे 40 में से 40 नहीं आते हैं तो ठीक है 40 में से 38 भी आए तो भी तूने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट या फिर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, मैंने हमेशा ये बता रखा है कि ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर स्टोरी में टैग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया नहीं यार सबके सामने मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आप क्लोज फ्रेंड्स में रख के मुझे टैग कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है।
पर जनरली मैं मैसेजेस के रिप्लाई कम दे पाता हूँ, मैं स्टोरीज के रिप्लाई जनरली दे देता हूँ। और तुम बहुत सारे बच्चों से पूछ भी सकते हो, जब भी मैंने मैसेजेस पढ़े हैं या फिर स्टोरीज देखी हैं, और अगर कुछ बड़ा इशू है, कुछ बड़ी दिक्कत है, तो मैंने 15-15, 20-20 लाइन के मैसेजेस भेजे हैं, ठीक है। लिटरली मैंने खुद टाइप करके इतने बड़े बड़े मैसेजेस भेजे हैं बच्चों को। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहीं पर तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर भी तुमसे काफ़ी एक बड़े भाई की तरह बात करता हूँ। तुम चाहते हो तो मुझे वहाँ पर आकर टाइप कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत लगती है तो, ठीक है। बाकी यार बीइंग बैचमेट्स, तो हाँ बैचमेट्स ही कह लो, ठीक है। अगर कमेंट में कोई बच्चा कुछ बोलता है, अगर उसको कोई परेशानी होती है, ठीक है, और अगर आप वो कमेंट पढ़ लेते हैं तो मेरी जान प्लीज़ उसकी हेल्प कर दो यार, ठीक है। तुम्हारा दोस्त ही है, तुम्हारी ही क्लास का है, ठीक है, बहुत सही। तो मैंने जैसे कि बताया, अभी परफेक्शन के पीछे मत भागो, ठीक है, अभी स्मार्टली काम करो। जिसका बिल्कुल सिलेबस नहीं हुआ, पहले पास होने तक का या फिर सिलेबस कंप्लीट करने तक का रास्ता तय करें, उसके बाद थोड़ा सा आगे सोच के 30-35 नंबर तक और जो है वो फाइट मारें। ये नहीं कहूंगा कि 40 में से 40 इम्पॉसिबल है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ उसके लिए भागना गलत चीज़ है, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, आई होप अगेन ऑन अ वेरी गुड नोट कि तुम सब बहुत अच्छा स्कोर करो। अगर 40 out of 40 नहीं भी करते हो ना तो भी चिंता नहीं है, 38 तो करोगे, 39 तो करोगे, पर करोगे, ठीक है। That being said, I hope all of you are doing great. एक वर्टिकल वीडियो बनाया मैंने, क्योंकि ऐसे स्मार्ट बोर्ड पर जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने ये चीज़ बता दी है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम तुमको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम मुझे ज़रूर से जाकर वहाँ पर फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड, मतलब स्टोरी में टैग कर सकते हो, सो दैट आई कैन रिप्लाई टू योर मैसेजेस। दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, तबाही मचाते रहो, पढ़ते रहो, क्रैश कोर्स आ रहा है। विद दैट बीइंग सेड,